एक मीडिया पोर्टल है, उनके हवाले से स्वरा भास्कर से जुड़ी एक खबर चलाई गई। इसमें लिखा गया, स्वरा भास्कर हुई प्रेग्नेंट, शोहर फवाद अहमद ने किया कंफर्म, जुलाई में हो सकती है डिलीवरी। इस मशहूर हीरोइन ने फरवरी में ही किया था अपने से 8 साल छोटे फवाद से निकाह। जिस पोर्टल के नाम पर ये खबर चलाई जा रही थी, उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट शेयर किया, साथ में लिखा, फेक न्यूज अलर्ट, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से संबंधित एक फेक ट्वीट सोशल मीडिया पर News24 के नाम से शेयर हो रहा है, पूरी तरह से फेक है, ऐसा कोई ट्वीट हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं किया गया है। ये स्क्रीनशॉट कुछ जरूरी सवाल खड़े करता है। एक, किसी एक्टर का प्रेग्नेंट होना खबर क्यों है? दूसरा, इस स्क्रीनशॉट में लिखी बातों के मायने क्या हैं? और तीसरा, इसे कौन लोग और क्यों फैला रहे हैं? अव्वल तो ये मीडिया की साख पर सवालिया निशान लगाता है, क्योंकि आए दिन एक्टर्स और उनके निजी जीवन से जुड़ी तमाम खबरें मीडिया चलाती है। कभी किसी के प्रेग्नेंट होने की खबर चल जाती है, कभी उनके रिलेशनशिप की बात होती है, कभी वार्डरोब मेलफंक्शन को चर्चा का विषय बना दिया जाता है। एक्टर्स या सेलिब्रिटीज लोग पब्लिक फिगर होते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। उनके काम पर बात होनी चाहिए, उनकी फिल्में समाज को कैसे प्रभावित कर रही हैं उस पर विमर्श किया करिए। उन्होंने क्या पहना, किसके साथ घूमने गए और कब प्रेग्नेंट हुए, ये उनका जाती मसला है। स्वरा भास्कर से संबंधित जिस फर्जी खबर का स्क्रीनशॉट चल रहा है, उसके मायने क्या है? स्वरा भास्कर प्रेग्नेंट है कि उस खबर की सबसे कम जरूरी बात है, क्योंकि अगली ही लाइन में ये बताया जाता है कि उन्होंने फरवरी में शादी की थी, जुलाई में उनकी डिलीवरी होने वाली है, यानी शादी के सिर्फ 6 महीने के अंदर वो माँ कैसे बन सकती है? उसके लिए तो 9 महीने का समय लगता है। अगर ये सवाल साइंस की तरफ से पूछा जाता तो इस पर कुछ बात हो सकती थी, मगर ये बात समाज, संस्कृति और सभ्यता के रखवालों की तरफ से आया है। ये नैतिक शिक्षा पर भाषण है। अपने देश की एक बड़ी आबादी शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने को सही नहीं मानती। देख रहे हैं, धीरे धीरे मामला सोशल से पॉलिटिकल हो रहा है। जब ये खबर उन लोगों तक पहुंचेगी जो इसे सही मानते, तो वो स्वरा भास्कर को गलत मानकर खारिज कर देंगे। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, यहाँ हम इंसान की जिंदगी के किसी हिस्से के आधार पर उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। स्वरा भास्कर ने शादी से पहले सेक्स किया, ये देश की आम जनता को स्वरा के खिलाफ खड़ा कर देगा, उन्हें एक ऐसी महिला के तौर पर स्थापित कर देगा जो सामाजिक व्यवस्था को नहीं मानती। इसके बाद स्वरा क्या कहती हैं, क्या करती हैं, उनका पेशा क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, उससे इस तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरा भास्कर सोशल मीडिया पर काफी मुखर है, वो जिनके खिलाफ बोलती हैं उन्हें चुपती हैं। आजकल लोगों को देशद्रोही साबित करके किनारे लगाने का फैशन चल रहा है, उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है। ये कौन लोग करते हैं? आजकल आधी से ज्यादा लड़ाइयां सोशल मीडिया पर लड़ी जाती हैं। हर राजनीतिक पार्टी की एक सोशल मीडिया टीम होती है, जिसे बोलचाल की भाषा में IT सेल बुलाया जाता है। अब हर बात कहकर समझाई जाए ये जरूरी तो नहीं, टेलीग्राम को चिट्ठी समझिए। मसलन इन दिनों रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस ने उन्हें पीछे हटाने के लिए बल का प्रयोग किया, तस्वीरों से सोशल मीडिया पट गया। आम जनता को लगा कि जो लोग देश के मेडल्स जीत कर लाए उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। अभी पब्लिक इसी उधेड़बुन में थी कि सोशल मीडिया पर पहलवानों की हंसती हुई तस्वीर जारी हो गई। कहा जाता है कि जो पहलवान अब तक फाइट मार रहे थे वो हंस रहे हैं, ये सब उनकी साजिश है सरकार को बदनाम करने की, जबकि है इसके उलट। पता चला कि इन पहलवानों की उदास तस्वीर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद से हंसी हुई तस्वीर में तब्दील कर दिया गया था। अब आप यहाँ खुद सोचिए कि यहाँ किसने किसे बदनाम करने की साजिश की। तकरीबन ठीक वही चीज स्वरा भास्कर के साथ हो रही है। आम जनता को उनके खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें गंभीरता से ना लिया जाए, उन्हें सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया जाए। बाकी आप सब समझदार हैं ही। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे मेरे साथी श्वेतांग शेखर। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। सिनेमा जगत की खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। मैं हूं गरिमा, शुक्रिया।